शक्तिशील समाजवादी पार्टी के लिए लोहिया नगर व ग्रामीण के लिए संयुक्त तत्वाधान में से मुलायम सिंह के लिए 80वां जन्म दिवस मनाया गया है और इस दौरान के लिए पार्टी के सदस्यों ने शहर के जिला अस्पताल में से घोषणा के लिए मरीजों और दावेदारों को भी फल और मिठाई वितरित करवाई है और इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में से पूर्वीय कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया भी उपस्थित थे। वही फल पाकर और मिठाई पाकर मरीजों के चेहरे खिल उठे हैं। वही बेरिया के मीडिया से बात करते हुए बेरिया के लिए मुलायम सिंह को भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना है। बहुत धन्यवाद कि आगे वालों का माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 80वां जन्मदिवस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया कानपुर महानगर व कानपुर ग्रामीण द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री माननीय शिव कुमार बेरिया जी ने केक काट करके और हम सबके साथ यहां उर्सला अस्पताल में जिला अस्पताल में मरीजों को फल मिष्ठान वितरण करके ये कार्यक्रम हम लोग आज एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण के जिलाध्यक्ष विनोद प्रजापति जी भी हैं, हमारे साथ प्रदेश के नेता हमारे वरिष्ठ नेता अशोक यादव जी, वरिष्ठ नेता सुधाकर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता और लोकसभा प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह यादव जी और पूर्व जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्री मोहन सिंह चंदेल जी सहित सैकड़ों की ताजा कार्यक्रम आप लोग ने आज समाजवादी आंदोलन के महानतम नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनके ऊपर देश के 132 किसानों का, 132 करोड़ किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का भरोसा है कि वे उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हमारी पार्टी के दो नवनियुक्त अध्यक्ष जो अभी अध्यक्ष बने हैं, विनोद प्रजापति और आशीष चौबे, और निवर्तमान जो हमारे अध्यक्ष हैं शिव मोहन सिंह चंदेल और हमारा नाम महेंद्र सिंह यादव, अशोक यादव, इन सब लोगों के साथ हम लोगों ने फल वितरण किया है और ये उम्मीद की है कि हमारे नेता अभी 100 साल तक ज़िंदगी जिएं, ताकि इसी तरह हम लोगों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बने रहें और इसी सिलसिले में आज ये फल वितरण हो रहा है और जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।